दोस्तों अनेक बार हम लोग बैंक में जब जाते हैं तो बैंक में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार हमें बैंक के खिलाफ शिकायत करनी पड़ती है। तो ऐसे अनेक ग्राहक जो बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, जिनको बैंक से कोई प्रॉब्लम है, बैंक से उन्हें कोई सर्विसेज ठीक नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में बैंक के खिलाफ कहाँ शिकायत करें, ये प्रश्न अक्सर लोगों को परेशान करता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बैंक के खिलाफ कहाँ शिकायत करें। हम किसी न किसी बैंक के कस्टमर होते हैं और चूंकि बैंक के कस्टमर होते हैं तो बैंक एक प्रकार की सर्विस होती है और हमारा यह अधिकार है कि हमें अच्छी सर्विसेज मिले, क्योंकि उसका सर्विस चार्ज हमारे द्वारा भुगतान किया जा रहा है। पर कई बैंक हमें सही सर्विस नहीं देती है, कई ऐसे मिसकंडक्ट करती है, ऐसे दुराचरण करती है, जिसकी वजह से अकाउंट होल्डर को, खातेदार को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग कवर करेंगे हाउ टू कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक, यानी बैंक के खिलाफ कहां कंप्लेंट करें, बैंक के खिलाफ कैसे कंप्लेंट करें, वो आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले, बैंकिंग एक प्रकार की सेवा होती है। हम सभी को पता है बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोन देता है और एडवांस डिपॉजिट करता है, यानी बैंक के मुख्य दो काम होते हैं। जो आपके पास सरप्लस मनी है वो अकाउंट के माध्यम से अपने पास डिपॉजिट करे और जो सरप्लस मनी बैंक के पास इकट्ठी हो जाती है वो लोन जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें लोन देती है। तो बैंक का मुख्य काम यही होता है और बैंकिंग एक प्रकार की सेवा होती है, इट इज अ काइंड ऑफ सर्विस, और ये सर्विस ठीक ढंग की होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए वो चार्जेस ले रहे हैं। तो बैंक एक सर्विस होती है और इस प्रकार खातेदार और बैंक के बीच में जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एजेंट के जैसा रिलेशन होता है। एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन आप सभी को पता है, प्रधान और अभिकर्ता, जैसा प्रधान कहेगा वैसा एजेंट को काम करना है। तो बैंक एक एजेंट के रूप में काम करती है, अकाउंट होल्डर के इंस्ट्रक्शन से बैंक को काम करना होता है। पर कई बार हम देखते हैं कि बैंक अपनी सेवाओं में कुछ कमियां करती है, बैंक की सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम आती है, डिफॉल्ट इन सर्विसेज होती है। कैसी सर्विसेज होती है, जो अकाउंट होल्डर है, जो खातेदार है, उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती है, क्योंकि खातेदार से सर्विस चार्जेस तो ले लिए जाते हैं लेकिन कई बार उसका अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है, कई बार इलीगल कटौती कर दी जाती है, इलीगल डिडक्शंस हो जाते हैं, कई बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, चेक वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको डिसऑनर कर दिया जाता है, कई बार रॉन्ग चार्जेस, गलत चार्जेस लगा दिए जाते हैं, एटीएम के नाम, एटीएम ट्रांजेक्शन के नाम पे, मोर ट्रांजेक्शन के नाम पे, हायर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट तय हुआ था उस इंटरेस्ट से कम अथवा ज्यादा इंटरेस्ट कर दिया जाता है। कई बार हम देखते हैं मिसबिहेव होता है, कई बार वर्किंग आवर्स में बैंक के अधिकारी जो है वर्किंग आवर पे मिलते नहीं है, चक्कर लगवा रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम्स के खिलाफ आप बैंक के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। और बैंक के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए आरबीआई ने एक व्यवस्था की है, आरबीआई जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। जितनी भी बैंक है वो सब बैंक आरबीआई के अंडर में काम करती है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई ऑलमोस्ट बैंकर्स बैंक, यानी आरबीआई के खातेदार जो होते हैं वो खुद बैंक होती है। तो आरबीआई जो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एक व्यवस्था की गई, एक अधिकारी बनाए गए, उस अधिकारी का नाम है बैंकिंग ओम्बड्समैन, जिसे हम बैंकिंग लोकपाल कहते हैं। ये बैंकिंग लोकपाल जो होते हैं एरिया वाइज रीजनल बना दिए गए हैं। जैसे हम यदि मध्य क्षेत्र के लिए देखें तो भोपाल में ओम्बड्समैन है, जैसे हम अगर कलकत्ता की तरफ जाएं, दक्षिण की तरफ देखें तो कोलकाता, पश्चिम की ओर जो है कोलकाता, पूर्व की ओर कोलकाता का ओम्बड्समैन है। ऐसे विभिन्न प्रकार के ओम्बड्समैन की व्यवस्था की गई है। आपको देखना है कि आपका बैंक और ब्रांच किस शाखा में, किस ओम्बड्समैन की परिधि में आते हैं, वहां पर आप उस शिकायत को आप एक प्लेन पेपर से लिख सकते हैं। लेकिन शिकायत करने के पहले आपको अपना ग्रीवियंस उस बैंक को देना पड़ेगा, यानी आपको जो भी शिकायत है सबसे पहले बैंक के मैनेजर को आपको लिख कर देना पड़ेगा। और एक महीने तक यदि आपको कोई सेटिस्फैक्टरी आपके बैंक, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। तो ये बहुत ही मैंडेटरी, अनिवार्य है, आप डायरेक्ट ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते हैं। ओम्बड्समैन को शिकायत तभी होगी जब आपने पहले बैंक को एक बार इंटीमेशन दिया है, आपका जो भी ग्रीवियंस है, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो बैंक को जरूर दीजिए पहले। और वहां से रिप्लाई नहीं आता है या संतुष्टदायक रिप्लाई नहीं आता है तो आप एक महीने के उपरांत आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बैंक में करना है, एक महीने तक रिप्लाई नहीं आने पर बैंकिंग ओम्बड्समैन को शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं होती है, जो भी आप कंप्लेंट करते हैं वो निःशुल्क रहती है, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ये आप ऑफलाइन इन राइटिंग में भी कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन को लिखकर, या नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आरबीआई की एक वेबसाइट है, आरबीआई की वेबसाइट का नाम है www.rbi.org.in। यहां पर आप जाएंगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन को सर्च करेंगे तो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन के क्षेत्रीय सभी बैंकिंग ओम्बड्समैन के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर वहां जाकर आप जो भी बैंक के नाम को आपको क्लिक करना है वहां पर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।
तो जुरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार वो होता है कि जिस ब्रांच में, जिस बैंक के ब्रांच में आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, उस ब्रांच के ऊपर जो रीजनल बैंकिंग ओम्बड्समैन है वहां आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये है मित्रों बैंकिंग ओम्बड्समैन के सामने की जाने वाली शिकायत की प्रक्रिया। जैसे ही आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत करते हैं, आपका शिकायत सॉल्व होती है और आपको बैंक से जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी समाप्त होती है। तो ये है इसका कानूनी तरीका। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।